एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 44 जिसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 44 है। हो सकता है कोई आर्टिकल 36 को कह रहा हो, कोई 37 को कह रहा हो, कोई 38 को कह रहा हो, हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, कोई 39 को भी कह सकता है। हम जो कहेंगे वो आर्टिकल 44 को कहेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 44? क्या कहता है कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत, भारत क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त लोगों के लिए एक समान कानून संहिता। वास्तव में ये जो पॉइंट है पिछले काफी दिनों से, पिछले काफी वर्षों से चर्चा में कि क्या भारत देश में एक समान कानून संहिता है सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लिए एक समान कानून है। वास्तव में अगर ये हमारा जो भारत है, ये भारत ऐसा विशाल साम्राज्य है, विशाल भारत है, जहां पर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं और वे सभी लोग अपने अपने हिसाब से इस धर्म की परंपराओं को मानते हैं, लेकिन धर्म को अपने अपने हिसाब से मानना, अपने अपने रीति रिवाजों, संस्कृतियों को अपने अपने हिसाब से मानना एक अलग बात है। लेकिन कानून, कानून देश का एक ही होना चाहिए, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। क्या कि भारत देश के अंतर्गत, भारत क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानून संहिता होनी चाहिए। अर्थात क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद में एक समान कानून संहिता की बात की गई है, तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 44। कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।